तो देखिए आज अपन देख रहे हैं कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे, नहीं टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे पॉइंट होते हैं जो बारी बारी से आपके सामने आएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो अपना एग्जेम्पशन का पॉइंट आ रहा है, घर के बदले में घर का आता है कि आपने कैपिटल गेन ऑन अराइजिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस सेक्शन 54, यानी आपने घर बेचा और फिर घर खरीद लिया तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है। अपन इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखते हैं। श्री अरविंद इज द ओनर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था इनका, जो उन्होंने 15 मार्च 1999 को खरीदा था, यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले। और फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 2001 की 80,000, और खरीदा था 60,000 में। तो विच एवरेज मोर लेना पड़ेगा, 60 और 80 विच एवरेज मोर, तो देखो 80 लिया गया है। ही सोल्ड दिस हाउस ऑन 20 जून फॉर 11 लाख, इसलिए सेल वैल्यू जो है आप चेक कर लो, 11 लाख ली गई है। और 20 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना ही है। और 10,000 रुपये उसने ब्रोकरेज पे भी खर्च कर दिए, तो 10,000 रुपये यहाँ लेस हो जाएंगे। इंडेक्सिंग कर दो, 80,000 × 289 / 100, डिवाइड बाय 100 ही हो क्योंकि 1/4 2001 से पहले का है। ठीक है, लेस हो गया, कैपिटल गेन निकल गया। यहाँ तक कैपिटल गेन निकल गया, ये ग्रॉस कहलाएगा, ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कहलाएगा, ये आपको आता है। नई चीज जो जुड़ रही है ना वो क्या है, वो यहाँ से देखो कि ऑन 18 मई 2019 ही परचेज ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर 8 लाख। तो इस कंडीशन में रूल क्या है कि आपने जिस डेट पर मकान को बेचा है, बेचने से 1 साल पहले या बाद के 2 सालों में अगर आपने कोई भी घर खरीद लिया या बनवा लिया तो एग्जेम्पशन मिलेगा। आपने 8 लाख का एक नया घर जो है खरीदा है तो ये 8 लाख का एग्जेम्प्ट आ जाएगा। लेस कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 8 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। 858 में से 8 एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितने हो गए, ओनली 58,800। तो ये एग्जेम्पशन होता है, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन है, घर के बदले में घर। आपने ये रेजिडेंशियल हाउस बेचा था और यहाँ खरीदा भी आपने रेजिडेंशियल हाउस है, इस कंडीशन में आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। एक देखते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 23। मिस्टर सतीश सोल्ड इक्विटी शेयर, यहाँ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं, कितने में बेचे, 1260 में, ये 1260 आ गया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 10,000 है तो 10,000 का खर्चा आ गया। इन्होंने परचेज किए थे 2005 में 1,25,000 के, तो 1,25,000 की इंडेक्सिंग कर दी, कॉस्ट आ गई, इंडेक्स कॉस्ट लेस कर दिया, कैपिटल गेन निकल गया। यहां तक तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी अब इसके एग्जम्पशन में, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F, कोई और चीज बेच के, देखो घर के बदले में घर खरीदो तो लगता है सेक्शन 54, कोई और चीज बेच के, जैसे आपने यहाँ इक्विटी शेयर बेचे और खरीदा घर, देखो लिखा है एज्यूम मिस्टर सतीश ओन ए रेजिडेंशियल हाउस। अब उसने इसने एक रेजिडेंशियल हाउस ले लिया, कितने में, 6,25,000 में। ठीक है, अलग अलग केस में 6,25,000 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब बेचे तो है शेयर और खरीदा है घर, तो फिर सेक्शन 54 नहीं लग सकता। 54 तब लगता है जब घर के बदले में घर हो, या शेयर के बदले में घर है तो सेक्शन 54F लगेगा। उसमें आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कैपिटल गेन 9,30,000 डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल यानी 1260 माइनस 10,000 के खर्चे हो गए, इसको बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। ये नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, नए घर में इन्वेस्टमेंट कितना किया, 6,25,000 का, वो 6,25,000 यहाँ आ जाएगा। तो कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इंटू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 465 का। 930 में से 465 का एग्जम्पशन मिल गया तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गया 465 का। मैं और तरीके से भी आपको ये बताता हूँ, देखो हुआ क्या, 1260 में से 10 तो यूज ही आ गए खर्चे में, तो 1250 बचे। 1250 में से आपने 625 ही तो यूज किया नई एसेट में, तो फिर जब आपने आधा यूज किया तो एग्जम्प्ट भी तो आधा ही होगा। तो चेक कर लो, 930 में से 4% एग्जम्प्ट है, बाकी का 4% टैक्सेबल है। तो इस तरह से प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट करना इसको कहते हैं, है ना। तो जिस प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी प्रोपोर्शन में एग्जेम्प्शन हो जाएगा। ये रूल तब लगता है जब आप कोई और चीज बेचकर खरीदो क्या, घर। तो 54F, F4 फॉर्मूला याद कर लो। इसी में वैरायटी और क्या आ सकती है, 23 में और क्या वैरायटी हो सकती है, कंडीशन है ए द शेयर्स आर सोल्ड आउटसाइड ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो अपन ने जो किया ये आउटसाइड द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं ना तो फिर रूल एक अलग चलता है। फिर वो पॉइंट नंबर बी में है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा। अब अगर इसके थ्रू बेचा है ना तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना भी कैपिटल गेन होता है वो सारा का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, आपने एसटीटी पेड कर दिया, लिखा है शेयर्स आर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज,
1 अप्रैल 2018 के बाद देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सच शेयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ 112A इफ सच शेयर्स आर एक्वायर्ड प्रायर टू 1 फरवरी 2018। इसका रूल है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2018 से पहले खरीदे तो अलग रूल है और उसमें बाद में खरीदे तो फिर रूल अलग है। तो इसलिए यहाँ दो रूल से आपको ये चीज जो है समझनी पड़ेगी। तो बेचा तो 1260 में, 10 का खर्चा हो गया तो 1250 में बेचा है। अब इसका रूल है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 125,000 और 31 जनवरी 2018 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,20,000 और सेल कंसिडरेशन दे रखा है 1,60,000, तो दोनों में से जो कम होगा ना वो आप लेंगे 1,220 और उस 1,220 को कंपेयर करेंगे 1,25 से, दोनों में से जो ज्यादा होगा अब वो लेंगे आप 1,220। तो देखो ये दो बार विचार की कंडीशन है वो आपको देखनी है। दो बार कैसे? जैसे 31 मार्च 2018 और सेल कंसिडरेशन, दोनों में से जो कम हो, तो कम है तो 1,220 लें, विच एवरेज लेस। फिर उसको कॉस्ट से कंपेयर करना है, कॉस्ट या जो ये निकला इन दोनों में से जो ज्यादा हो, इसलिए लिए अब कौन सी 1,220। अब 1,250 में से 1,220 को लेस कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। अब इस पे 54F का फॉर्मूला लगेगा कि कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इंटू इन्वेस्टमेंट ऑफ नी एसेट, वो आपका एग्जम्पशन हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया। तो ये रूल जो है वो आपको बहुत अलग से याद रखना पड़ेगा और इस प्रोविजन में इंडेक्सिंग नहीं की जाती है, इसलिए चेक करो डायरेक्ट ही कॉस्ट ले ली, इसको इनटू 289 वाला इंडेक्सिंग जो है वो नहीं किया गया। तो ये ऑप्शन अपन को अलग से याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। ऑन 1/8/1976 मिस्टर मनमोहन ने परचेज किए 400 शेयर, ठीक है, 100 रुपए में परचेज कर लिए। फिर उसको बोनस शेयर भी मिल गया, 600 बोनस शेयर फ्री में, और मैंने आपको बताया था बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं। 1/4/2001 की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 450। फिर मनमोहन ने सारे शेयर 1,000 शेयर बेच दिए 1,800 रुपए में। 1,000 शेयर कितने बेच दिए? 1,800 रुपए में, और कहते हैं ब्रोकर लग गए 2%, तो 2% की ब्रोकर पहले ही लेस कर दो, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 1,764,000। अब देखो आपके जो एक्चुअल शेयर थे वो थे 400 और वो खरीदे थे 100 रुपए में, यानी उनकी कॉस्ट थी 40,000। बोनस शेयर की कॉस्ट कोई थी नहीं, टोटल कॉस्ट हो गई 40,000। इस 40,000 को कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू से, और फेयर मार्केट वैल्यू थी 450। अब बोनस शेयर का रूल एक बार और रिपीट कर देता हूं। वैसे बोनस शेयर की कॉस्ट निल होती है, बट अगर वो 1/4/2001 से पहले के हों तो फिर उनकी कॉस्ट हो जाती है 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को ही उनकी कॉस्ट मान लिया जाता है। तो इसीलिए 1/4/1 की फेयर मार्केट वैल्यू 450 थी, इनकी कॉस्ट भी 450 मान ली जाएंगी। 400 शेयर ओरिजिनल थे, 600 बोनस शेयर थे, टोटल 1,000 शेयर। 1,000 शेयर हो गए 450 के हिसाब से 4,50,000, उसी की इंडेक्सिंग कर दी 289 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 क्यों? क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले के हैं। ध्यान रखना रूल बोल रहा हूं, यदि कोई एसेट 1/4/2001 से पहले की होती है उसका इंडेक्स फिक्स है 100 ही होगा। तो कुल मिलाकर आपकी इंडेक्स कॉस्ट निकल गई, अब इसको लेस कर दो तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। अब आपने क्या किया, ये पैसा लगा दिया घर में, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F रेजिडेंशियल हाउस में। देखो लिखा होगा क्वेश्चन में, आउट ऑफ दिस सेल कंसिडरेशन ही इन्वेस्टेड 882 इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, लगा दिया पैसा, तो अब इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। बेचा क्या? बेचे शेयर, कोई और चीज बेच के जब भी घर खरीदोगे तो 54F लगेगा। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल गेन 463 डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन 1764 निकाला था। नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब है सेल माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, इनटू इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस, न्यू हाउस में कितना पैसा लगा है 882, तो एग्जेम्पशन हो गया 231। तो 463 में से 231 का तो एग्जेम्पशन मिल गया, बाकी का 231 टैक्सेबल हो गया। या मैं इसको एकदम देसी भाषा में कहूं कि आपने आधा पैसा इन्वेस्ट किया, 1764 का आधा 882 इन्वेस्ट किया, तो आधा ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, 463 का आधा आपका होता है 231। तो जिस प्रपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी प्रपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो ये एक तरीके से प्रपोर्शनेट एग्जेम्पशन हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, शेयर्स के लिए ये है। 1 अप्रैल 2019 को अशोक के पास 300 शेयर थे स्वदेशी लिमिटेड के, इसमें से 100 शेयर तो उसने बोनस शेयर रिसीव किए थे 2001-02 में, और 200 शेयर इसने परचेज किए थे 175 में, 200 रुपए इसने ब्रोकरेज पे की थी, अदर एक्सपेंसेस ठीक है,
1 अक्टूबर 2019 को स्वदेशी लिमिटेड ने राइट शेयर इशू किया। अब राइट शेयर क्या होते हैं? जब कोई कंपनी अपने मौजूदा यानी प्रेजेंट शेयर होल्डर को कोई शेयर देती है फ्री में, नहीं अगर फ्री में दे तो बोनस शेयर हो जाते हैं, कम रेट पे देती है। कम रेट पे मतलब मान लो मार्केट में 100 रुपए का, इसको 80 रुपए में दे दिया ऐसा कुछ, तो उसको राइट शेयर कहते हैं। ये राइट शेयर इसको 100 रुपए में दे दिया, जो चीज मार्केट में महंगी थी उसको 100 रुपए में दे दी। तो मिस्टर अशोक ने 200 राइट शेयर ले लिए और इन सभी शेयर्स को 500 रुपए, 500 शेयर्स को उसने 800 रुपए पर शेयर में बेच दिया, 1000 रुपए की प्रॉफिट लग गई। ठीक है, तो अब आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की आपको देके रखिए, क्योंकि इस दिन रूल चेंज हुआ था इनकम टैक्स का, शेयर्स के बारे में 600 रुपए की रेट दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपने 200 शेयर जो राइट शेयर लिए उनको आपने 800 में बेचा, 1,60,000। राइट शेयर खरीदे आपने 100 में थे तो 20,000 रुपए के हो गए। खर्चा लगा 400। खर्चा कैसे 400 लगा वो मैं आपको बताए दूं, कुल मिलाकर जो आपका खर्चा लगा ना वो लगा 1,000 रुपए, वो लगा आपका 1,000 रुपए। 1,000 रुपए लगे 500 शेयर पे, तो पर शेयर कितना हो गया 2 रुपए। तो यहाँ तो 200 शेयर है, 200 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 400 रुपए। और ये 20,000 कैसे है, आपके 200 शेयर थे जो कि आपने 100 रुपए में खरीदे थे 20,000 के, तो ये आपका गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि आपको 12 महीने से कम हुए। फिर आपके जो पुराने 300 शेयर थे वो भी आपने बेचे, वो भी आपने 800 में बेचे, जैसे ये 800 में बेचा था वैसे ये भी 800 में बेचे, 2,40,000। लेकिन इनकी कॉस्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा हायर द फॉलोइंग, क्योंकि 200 शेयर आपने 175 में खरीदे थे, ब्रोकरेज पे की थी, तो ये आपका हो गया 35,200। तो 35,200 की कॉस्ट है। फिर आपको विच एवरेज लोअर का वो देखना पड़ता था कि ये 300 शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 1,80,000 और बेचा इसको 2,40,000, विच एवरेज लोअर 1,80। फिर इस 1,80 को कंपेयर करते थे एक्चुअल कॉस्ट 35,200 से, दोनों में से जो ज्यादा हो इसलिए 180 लिया जाता था। पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा है, खर्चे हो गए 600 रुपए। 600 रुपए क्यों? 300 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से 600 का खर्चा हो गया। इसमें इंडेक्सिंग होती नहीं, डायरेक्टली लिखना पड़ता है, 2,40 में से 1,80 लेस कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 59,400। तो 2 कैपिटल गेन हो गए, ध्यान देना, एक तो ये वाला हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक ये वाला हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों को जोड़ दिया तो ये आपका टोटल कैपिटल गेन आ गया। वैसे दोनों को अलग अलग लिखना पड़ता है, रीजन ये दोनों पे टैक्स की रेट इनकम टैक्स में अलग अलग होती है, इसलिए दोनों को आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 180 की, इसका सेल कंसिडरेशन है 240 का, हमें लेना है दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम है वो है 180। अब 180 या 35,200 की कॉस्ट, दोनों में से जो ज्यादा हो तो यहाँ लिया 180। इस तरीके से ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, ये इसी तरह से होगा और कोई इसका ऑप्शन है ही नहीं।